बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो हब। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो एयर कूलर पे बनाई जा रही है। आपको पता है कि मौसम गर्मा चल रहा है और एसी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। हैं तो कूलर की भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई, लेकिन फिर भी एसी की निस्बत कूलर अभी भी काफ़ी सस्ते हैं। टोयो कंपनी के मैं आपको तीन इस टाइम मॉडल दिखा रहा हूँ, बहुत शानदार और ख़ूबसूरत किस्म के मॉडल्स हैं। ये सबसे बड़ा मॉडल है टोयो का और इसके अंदर ये देखें आइस बॉक्स दिए गए हैं और इसके ऊपर सर्कुलेट करता है जो पानी होता है। ये इसका वारंटी कार्ड है, एक साल इसकी वारंटी है। इसके ऊपर पानी सर्कुलेट करता है और जब आप आइस बॉक्स रखते हैं इसमें तो पानी आपका ठंडा होकर जब पैड्स में जाता है तो आपको ज़्यादा ठंडी जो हवा है वो मिलती है। उसके बाद ये एक कूलर है, इसमें छोटा साइज़ है, उसमें ब्लू और वाइट कलर है, उसमें भी ब्लैक और वाइट कलर है। ये आपको ब्लैक और वाइट भी मिल रहा है और इसमें ब्लू और वाइट भी होता है। ये दो कलर्स अवेलेबल हैं। ये तीसरा मॉडल है इसका, ऊपर सेम डिज़ाइन है, जस्ट नीचे इसकी लुक का फ़र्क है और इसके साइजेस का उस हिसाब से फ़र्क है। ये तीन ही बटन दिए गए हैं, विंग स्विंग्स वाला होता है और वाटर वाला, जिसे हम कूलिंग के नाम से भी इसको लिखा होता है। और इसके बाद फिर इसमें स्पीड का बटन दिया हुआ है और ये देखें आपको मैं साइडों पे दिखा रहा हूँ। ये पैड्स का है, पैड जो होते हैं ये आजकल ज़्यादा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको अपने रूम में भी रखते हैं तो ये हबस वगैरह जो है वो जनरेट नहीं करते। जो दूसरी खसें होती हैं जो लाहौरी कूलर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं तो वो जो है वो रूम में अगर रखें तो हबस क्रिएट करती हैं और उनकी एक ख़ास स्मेल भी होती है। उसके बाद ये आपको GFC के दो मॉडल्स हैं, ये भी दिखा रहा हूँ। ये GFC के मॉडल इस टाइम एक बड़ा ये गोल वाला मॉडल है, एक ये दूसरा छोटा मॉडल है। जो ऊपर बटन होते हैं वो तकरीबन सब के सेम ही हैं और अंदर अब जो फीचर्स हैं वो भी सेम ही हैं। मैक्सिमम इसमें जो अब डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो इसमें जो कॉपर की मोटर होनी चाहिए, वेल्डिंग अच्छी है, और दूसरा इसमें जो जी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है ये अच्छा होना चाहिए। इसकी आपको एक साल की वारंटी है, टोयो की भी, इस GFC एयर कूलर की भी एक साल मोटर की वारंटी है। और जो इसकी प्लास्टिक का A+ कैटेगरी दाना है, प्योर दाना जिसे बोलते हैं, उससे ये अच्छा प्लास्टिक यूज़ करके ये बनाया गया है। इसकी साइडों पे भी पैड्स हैं, पैड्स जो होते हैं वो खसों की निस्बत बहुत ज़्यादा टाइम चलते हैं और इसकी जो कूलिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है और ये आपको अपने रूम में हबस वगैरह नहीं देते। ये इसका जो विंग्स जो हैं फ्रंट वाले, उनको ऊपर नीचे करने के लिए ये कह लें कि हैंडल से दिए हुए हैं, अंदर वाले जो विंग्स हैं वो आपको मोटर के ज़रिए मूव करते हैं। अगर अब इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो ये जो GFC के आपको दो दिखा रहा हूँ, जो बड़े वाला पहले दिखाया है वो आपको मिलता है 29,000 रुपये का और ये जो छोटे वाला ये आपको मिलता है 24,000 रुपये का। और ये टोयो में आपको तीन मॉडल्स दिखाए हैं, टोयो जो सबसे बड़ा है वो है 28,000 रुपये का, जो उसके मिड में पड़ा था ब्लैक और वाइट वो आपको मिलेगा 26,000 रुपये का, और जो ब्लू वाला एंड पे सबसे छोटा पड़ा था वो आपको मिलेगा 23,000 रुपये का। ये आपको मैं आज के जो सीज़न चल रहा है उस हिसाब से आपको मैं ये कूलर्स की जो वीडियो आपको लिए ला रहा हूँ और अपडेटेड प्राइस भी आपको बता रहा हूँ। ये प्राइजेस दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर आपने बाइंग करनी है तो आप जल्दी से जल्दी कर लें। और उम्मीद करता हूँ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक आसानी पहुँच सके। शुक्रिया।